नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मेरा तन मन खुशियों से भर गया। इसरो सेंटर में चंद्रयान 3 के सफलता पर बोले पीएम मोदी। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी ने आज इसरो वैज्ञानिकों से मुलाकात की। पीएम ने वैज्ञानिकों से मिलकर उन्हें चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए बधाइयां दी। इसरो की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान और भविष्य में विश्वास करने वाले दुनिया भर के लोग भारत की उपलब्धि पर उत्साह से भरे हुए हैं। पीएम बोले, मेरा तन मन खुशियों से भरा। चंद्रयान 3 की टीम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज मैं एक अलग स्तर की खुशी महसूस कर रहा हूँ। ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं। इस बार मैं बहुत बेचैन था। मैं दक्षिण अफ्रीका में था, लेकिन मेरा मन आपके साथ था। इससे पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु पहुंचने के बाद HAL हवाई अड्डे के बाहर जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा लगाया। बेंगलुरु में HAL हवाई अड्डे के बाहर पीएम मोदी ने कहा, मैं खुद को रोक नहीं सका क्योंकि मैं देश में नहीं था, लेकिन मैंने भारत दौरे के तुरंत बाद सबसे पहले बेंगलुरु जाने और हमारे वैज्ञानिकों से मिलने का फैसला किया। पीएम मोदी ने इसके बाद इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में इसरो की टीम से मुलाकात कर उन्हें बधाइयां दी। पीएम इसरो प्रमुख एस सोमनाथ से भी मिले और उन्होंने पूरे मिशन के बारे में बारीकी से जाना। पीएम ने जब सोमनाथ से मुलाकात की तो इसरो प्रमुख ने पीएम को मॉडल के जरिए चंद्रयान 3 के लैंडिंग का पूरा प्रोसेस समझाया। मेरी और मुसीबत आपकी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना ओवर टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।